अभी हम लोहाघाट के लिए आ रहे हैं, उससे 10 किलोमीटर पहले एक शादी है, तो बहुत अच्छी बारात जा रही है, तो बारात के अंदर भी थोड़ा आप इंजॉय करो। हम आपको दिखलाते हैं, थोड़ा जाम भी लगा हुआ है और यहाँ से बारात जा रही है। तो इस गाड़ी के पीछे लिखा है दीपक तनुजा। बारात जा ही रही है और बहुत ही यहाँ पे, मैं तो पहली बार बारात देख रहा हूँ। वो तो जाएगी, ये रोका किसी ने इसको। अभी यहाँ पे डांस वगैरह भी हो रहा था, तो अभी वो शायद इन्होंने बंद कर दिया। अभी गाड़ी निकलेगी तो हम आपको दिखलाते हैं। और ये पूरे के पूरे गांव वाले हैं, ये भी गांव वाले हैं जो कि शादी वादी के अंदर आए हुए हैं। अरे बंद करो यार। ये है उत्तराखंड की शादी, थोड़ा जाम लगा हुआ है। और भाई साहब, मतलब शादी की पार्टी हो रही है भाई, बड़ी जबरदस्त। जाम लगा हुआ है बहुत जबरदस्त। बहुत अच्छी बारात है। बारात हो गई है और गांव वाले चारों तरफ से आ गए, देख रहे हैं बारात बारात। और ये देखो नींबू का पेड़, बहुत इसमें सारे नींबू भी हैं। और ये पूरे की पूरे गांव की बारात की पलटन, तो खाना भी चल रहा है। और ये देखो पूरे के पूरे गांव वाले इकट्ठे हो चुके हैं शादी के अंदर। तो ये रास्ते के अंदर मिला है हमारे को लोहाघाट से 8 किलोमीटर पहले। यहाँ पे भी पार्टी वाल्टी चलेगी। और ये घर है इसमें भी। और ये देखिए यहाँ के थोड़े से नज़ारे। और मुझे लग रहा है ना 10-12 बारात यहीं आ गई है कि बारात घर में। यहाँ पे जब से हम आए इस रोड पे हमें बारातें ज्यादा मिली है, लेकिन हमें अपनी मंजिल नहीं मिली है। और हम अपनी मंजिल ढूंढने के चक्कर में लगे पड़े, लेकिन अभी हमारी मंजिल हमारे हाथ ही नहीं आई है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। कहाँ जा रहे हैं हम? एसएससी करने। बाबा को पौआ पिलाना है बस, नानी को 500 को जो बाबा लाया, जो मैं तकिए के नीचे धर के सो रहा हूँ। तू ले गई? पहुँच गए हैं घाट में। अभी 1 किलोमीटर बेटा पूरा दूर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अब लोहाघाट। और हम पहुंचे हैं अब 2:20 पे, मतलब हम पहुंचे हैं 16:20 पे, वो भी लोहाघाट पहुंचे हैं। अभी हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचे, जबकि मंजिल हमारी टाइमिंग दे रखी थी 14 घंटे। और अभी हम आधा ही सफर हमने अभी पूरा, अभी हमारा आधा सफर हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। अभी हमारा पिथौरगढ़ बाकी है। अभी हम लोहाघाट से पिथौरगढ़ के लिए जाएंगे। अब देखते हैं हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अभी हम थोड़ा देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी हमें स्टे करना है क्योंकि या हम चलें, क्योंकि हम कल से ही रात से गाड़ी कंटिन्यू चला रहे हैं। और अभी 16 घंटे हमने गाड़ी कंटिन्यू चलाई है। और इस बार जो गाड़ी चलाई है वो इस हैदर ने ही चलाई है पूरी की पूरी जर्नी। तो इसको भी आप थोड़ा सा थैंक्स बोल दीजिए और आप लाइक कर दीजिए इसके लिए भी, ठीक है। और कमेंट में कुछ है इसके लिए, क्योंकि इसने बहुत हार्ड जो है काम करा है। और ये बहुत ही हार्ड है और बहुत ज़्यादा रास्ते जो थे इसके अंदर टफ थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल था और हालत ख़राब हो गई थी। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा कहीं अपना चाय पानी पियेंगे अभी, फिर उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। थैंक यू। ये लोहा घाट का चौराहा है और जैसे कि आपको दिख रहा होगा ऊपर बोर्ड के अंदर पिथौरगढ़। अब हमें पिथौरगढ़ जाना है। अब ये लोहाघाट का चौराहा आ गया है, लेफ्ट ले लूँ ना। अब हमें लेफ्ट जाना है।
पिथौरगढ़ के लिए, पिथौरगढ़ के लिए हम चल रहे हैं अपनी जर्नी के साथ। और यहाँ पे मंडी पूरी मार्केट है यहाँ पे। ओए अपाची की फोटो आ गई, गाड़ी रुकी अपनी गाड़ी, पता नहीं कहाँ अपनी गाड़ी नहीं रुकी अभी। पिथौरगढ़ थक गया क्या तू? तो सोते हुए आ रहा था फिर भी तू थक गया। बहुत तगड़ी मेहनत कर रहा तू तो। पिथौरगढ़ कितने किलोमीटर है बोर्ड में तो देखा होगा ना? अजमेरी रानी रानी चाट मत 100 कुछ किलोमीटर था। कितने किलोमीटर तो तुमने देखा था क्या? अंकल कितनी देर हो गई लेड स्लाइडिंग को? 10 मिनट हो गए हैं अभी लेड स्लाइडिंग को, मतलब मैं यहाँ आने से 10 मिनट पहले लेड स्लाइडिंग बहुत तगड़ी हुई है। इसमें अभी 2-3 बिल्डोजर लग चुके हैं, वहाँ पे काम हो रहा है और एक बिल्डोजर ये भी जा रहा है और नीचे भी काफी धूल हो रखी है। देखिए बिल्डोजर ने वो सारी की सारी मट्टी नीचे डाल रहे हैं और ये अंकल जी ने बताया, अंकल जी आप ऐसे कर दो फोन में, ये देखो ये अंकल जी ने बताया